So, hi guys, welcome back to my channel. Guess where I am? बैंगलोर So, आज हम लोग बैंगलोर का व्लॉग बना रहे हैं. मतलब आज हम लोग, जा हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं स्कॉन. पर उससे पहले मीट हिम. हेलो गाइस, आई एम ही इज आदित्य माय कुमार। या और गो ऑन. ये इना पे इससे ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं है जाने के लिए। इससे पहले हम लोग मिले थे आईआईटी बॉम्बे में. ही इज अ ग्रेजुएट, रिसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. सो अभी मैंने पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे कि मैं बैंगलोर में हूँ, तो उसने बोला व्हाट, मैं भी बैंगलोर में. तो तो फिर हम लोगों ने हम प्लान लोगों बना ने प्लान लिया। बनाया कि घूम लेते हैं बैंगलोर. तो इसने मुझे आज गाइड बन के घुमाने का प्रण दिया है. गाइड तो अपन नहीं, मतलब मुझे खुद घूमना था। चलिए ये आप मुझे घुमाने वाला आज. सो सो स्टे ट्यून्ड। स्टे ट्यून्ड. अभी मैंने कुछ रील्स दिख रहा है जो हमें बनाना है. देखो, इसको मैं भी वाले हैं। मैं भी न्यू भी हूँ, ये इसे भी नहीं आता है, पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं. सो डू सपोर्ट अस. मैं इसके चैनल का लिंक डाल दूंगी, इसलिए अभी बस एक ही वीडियो बनाया. ये बस उस, आप आपको पता है चैनल इमर्जिंग यूट्यूबर है. उसको मैं प्राइवेट रखने वाला हूँ. देखो, यूट्यूबर बन के और प्राइवेट रखने का ये कोई रिलेशन ही नहीं रहता. सो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम अटेंड करने आई थी. एज यू मे नो, आईसीटीएस का प्रोग्राम था. दूसरे ब्लॉग से आपको पता ही होगा. तो उसमें मैंने इनका आज क्लासेस थे और मैंने इन्होंने क्लासेस छोड़ के ऐसे झूठ बोल के निकली हूँ. झूठ क्या बोला है? क्या झूठ बोला है? शुड बी द सस्पेंस. पता नहीं, ये क्लिप मैंने डाला तो मैं पकड़ी जाऊंगी. ऑब्वियसली नहीं भी डाला तो भी पकड़ी जाऊंगी. फर्क पड़ता है क्या? तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो डाल मतलब मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया वहाँ पे आईसीटीएस. अभी मुझे बहुत प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं आईसीटीएस में. सो आईसीटीएस प्लीज डोंट ब्लैकलिस्ट मी. तो तूने प्रोफेसर से परमिशन लिया इसके लिए कि हाँ? मेल कर दिया ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को और उन्होंने बोल दिया ओके. पता नहीं क्या बोला. देखो, लंबे लोग मेल करके निकल गए. पहुंच गए हम फाइनली. सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं स्कंद टेम्पल. यू कैन सी. चलो ऊपर चलते हैं. भाई बहुत सीढ़ियां लग रही है. आई गेस. हाय आदित्य. हाय. मैं मार दूंगा अगर इसका वीडियो होना. तो क्या होता है इसका मतलब? स्कंद में ऐसे ही लोग कृष्णा कैसे कृष्णा नहीं, बस एक वो टाइप का होता है ना मंदिर. टेम्पल हम बोलते हैं. टेम्पल का मतलब क्या होता है? मंदिर. आप लोग बताना. पर मतलब इसकोन टेम्पल है. बस हम लोग ऐसे ब्लॉगिंग के चक्कर में सीधे वो पहुंच गए. रास्ता ही नहीं दिखा. अच्छा, अभी चप्पल निकालना पड़ेगा. इसको डालो. ये आपको पे इतने सॉक्स खोला. मैं बोल रही थी तो मैंने चार और खरीदे. आ यार, ठंडा लग रहा है. सॉक्स किधर है? देस, इतना लंबा क्यों है? हाँ, इतना दूर क्यों है? अरे यार, हम लोग एक तरफ पे. अभी हम लोग स्कंद जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं. ओह माय गॉड, लुक एट दैट. कितना सुंदर लग रहा है. वाह, मुझे तो पता था मेट्रो चलता है. नहीं, मेट्रो चलता है. ये बैंगलोर में रहता है, इसको नहीं पता. इतना बकवास. अच्छा, लेकिन मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ. हाँ, ये वॉइस ओवर दे रहा है. बट लुक एट दिस गाइस. पता ना क्या कन्नड़ बोलते हैं ना यहाँ पे ज्यादा करके लोग. हाँ, मतलब बहुत को हिंदी भी समझ में आती है. हाँ, डिफिकल्ट होता है थोड़ा बहुत. मतलब ओके ओके समझ जाते वैसे. प्रॉब्लम ये होता है अगर हिंदी नहीं आता और इंग्लिश नहीं आता देन क्योंकि जनरली हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो तो उनको समझ में आ जाता है. गाइस, जस्ट लुक एट दिस थिंग. यस, लुक एट मी. नॉट हिम. ये भाई कितना सुंदर है. ये अभी तो अंदर कितना सुंदर होगा, बाहर से इतना सुंदर है. सामने सामने यहाँ पे टेम्पल. ओह, आई थिंक कुछ तो है. क्या है वो? टेम्पल ही है. उससे पीछे क्या है? का दिमाग बस इस पे अटक गया है कि इतना लाइन वाले के लिए हर तरफ है, हर साइड क्यों है. और ये इधर फ्री एंट्री लिखा है, मतलब कहीं पेड इंटरव्यू होता होगा. हाँ, ऑब्वियसली पैसे हो तो कुछ भी हो सकता है. ऑब्वियसली इतने लाइंस क्यों है? पैसे हो सकते हैं तो भगवान भी मिल सकते हैं. इतना लाइन उसी लिए बना है कि पैसे लगे.
फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी नॉट तो गाइस फोटोग्राफी नॉट अलाउड, तो हम लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, सॉरी नहीं कर रहे हैं, वी कांट डू दिस। मेरे प्यारे प्यारे दो तीन फोटोज ही तो फिर हम लोग ऐसे क्या है कुछ तो पफ है और फिर पनीर गोभी पनीर समोसा बिकॉज आई थिंक आलू अलाउड नहीं है यहाँ पे, आलू नहीं खाते, आलू अलाउड मुझे लगता है आलू नहीं खाते, ये जैन है पनीर, यार पनीर ये जैन है तो फिर पनीर कैसे, हाँ पनीर कैसे कहाँ से दिमाग आ गया, पर आलू पता नहीं क्यों नहीं है, आलू का समोसा नहीं था, पनीर गोभी कुछ तो समोसा और इसके अंदर कैप्सिकम है पफ के अंदर मसाला पफ, हाँ ये खा रहा है मुझे बोल रहा है कि वीडियो बना सो गाइस हम लोग घूम चुके हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड इतना बड़ा है ना बाहर निकलना टफ था, फाइनली निकल चुके हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रसादम है, ये चप्पल लेना भी इतना कंफ्यूजिंग है ना, मतलब हम लोग बस घूमे जा रहे हैं आधे घंटे से चप्पल के लिए, यहाँ जाओ वहाँ भेजते वहाँ देखो कि कोई और चप्पल पहन के घूम रहा है, पता नहीं अब चप्पल लेते गाइस। प्लीज इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अब मेरे को ऐसे इसको ना फेंको, अच्छा फाइनली हमारा चप्पल मिल गया, ना कॉम्प्लिकेटेड है ना, मतलब पता नहीं कितना दिमाग लगा के ये बनाया होगा, हमने तो नहीं बनाया, हाँ नहीं हम लोग आईआईटी ना, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फाइनली बैग भी मिल गया, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कहाँ जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं बैंगलोर महल कुछ तो था पैलेस, इसमें मैं भी आ सकता, सो फाइनली हमारा कैब आ गया है।